नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज हम आपको चिकन कॉर्न सूप बनाना सिखाएंगे। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें चिकन आधा किलो, काली मिर्च एक टेबल स्पून, नमक एक टेबल स्पून, पुदीना क्वार्टर गड्ढी चॉप्ड, हरा धनिया क्वार्टर गड्ढी चॉप्ड, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद चॉप्ड, अंडे 4 अदद, कॉर्नफ्लावर 1.5 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून, बेबी कॉर्न का टिन 1 अदद, बॉयल अंडे सर्विंग के वक्त, विनेगर सर्विंग के लिए, सोया सॉस सर्विंग के लिए और चिली सॉस भी सर्विंग के लिए। बनाने का तरीका, सबसे पहले एक देगची में चिकन को डालकर इतना पानी डाल दें कि चिकन इसमें डूब जाए। अब इसमें नमक और काली मिर्च डाल दें। अगर आप ज़रूरी समझें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, और अगर आप ना चाहें तो आप इसके बगैर भी सूप बना सकते हैं। अब इसको पहले एकदम तेज़ आंच पर पकाएं और उबाल आने पर धीमी आंच करके इसको ढककर गलने के लिए छोड़ दें। 20 से 25 मिनट बाद ढक्कन को हटाकर एक बार चमचा चलाकर देखें कि चिकन कितना गल गया है। जब चिकन आधे से ज़्यादा गल जाए तो इसमें 4 ग्लास पानी शामिल कर दें, और 4 ग्लास पानी शामिल करने के बाद इसको पहले तेज़ आंच पर पकाएं, उबाल आने पर आंच को धीमी करके फिर इसी तरीके से इसको पकने के लिए छोड़ दें। अब आप एक ब्लेंडर में स्वीट कॉर्न के टिन को खोलकर तमाम कॉर्न्स ब्लेंडर में डालकर इसको 2 से 3 सेकंड तक के लिए ब्लेंड कर लें। इसको हल्का सा ब्लेंडर में चॉप करना है। इसके बाद आपने चिकन गलने पर इसको प्लेट में निकाल लें। चिकन के गोश्त को रेशा कर लें और इसकी हड्डियों को ज़ाया कर दें। अब इस रेशा की हुई चिकन को दोबारा से देगची में डाल दें। चॉप्ड कॉर्न भी अब इस देगची में शामिल कर दें। अगर आप टिन वाले कॉर्न्स इस्तेमाल करना ना चाहें तो आपने क्या करना है कि भुट्टे को लेकर उसके दाने निकालकर उसको बॉईल करके इसी तरीके से ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, क्योंकि वो थोड़े सख्त होते हैं। इसके बाद इसको देगची में शामिल कर दें। इसके बाद आपने 4 अंडों को एक एक करके अलहदा अलहदा तोड़ना है, और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें जर्दी हटा के सिर्फ सफ़ेदी कॉर्न सूप में शामिल करें, क्योंकि ज़्यादातर ये सफ़ेदी के साथ ही बनाया जाता है, लेकिन अगर आप जर्दी डालना चाहें तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपने अंडों को फेंट कर देगची में शामिल कर देना है अलहदा अलहदा। लेकिन याद रहे कि जब आप देगची में अंडों को शामिल करेंगे तो उसके बाद आपको 3 से 4 मिनट के बाद इसमें चमचा चलाना है, उससे पहले नहीं। इसके बाद जो आपके पास कॉर्नफ्लावर है उसको 1 से 2 टेबल स्पून पानी में घोलकर, या आधी प्याली पानी में कॉर्नफ्लावर को घोलकर इसमें शामिल कर दें। अब इसमें चमचा चलाएं। इसके बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें भी शामिल कर दें। इसको सर्विंग बोल में निकालकर उबले अंडे भी 1/2-1/2 करके हर प्याले में शामिल करें, और चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर की छोटी बॉटल्स भी ट्रे में या ट्रॉली पर रख के सर्व करें।
अगर आप चाहें तो इसके साथ पापड़ या गार्लिक ब्रेड भी दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।